इस बीच मेरठ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर मौलाना के घर में मिले 14 जमाती। तो नेपाल, बिहार, महाराष्ट्र के ये जमाती बताए जा रहे हैं जो निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। मस्जिद पर छापे के बाद घर में छिपाकर रखा गया था। तो परतापुर के काशी गांव में 14 जमाती मिले हैं, तो मेरठ में मौलाना के घर में 14 जमाती मिले हैं। तो जिस तरह से हाई लेवल मीटिंग के बाद निर्देश दिए गए हैं कि इन जमातियों को ढूंढा जाए, तलाश किया जाए और तुरंत इनको क्वारंटाइन किया जाए, उसके बाद एक के बाद एक जिस तरह से खुलासे सामने हो रहे हैं, और अब मेरठ से भी ऐसे मामला सामने आया जहां पर मौलाना के घर से 14 जमाती पाए गए हैं जो नेपाल, बिहार, महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। तो मस्जिद पर छापे के बाद घर में इन जमातियों को छुपाकर रखा गया था। तो मेरठ से ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर परतापुर के काशी गांव से 14 जमाती मौलाना के घर से मिले हैं। तो नेपाल, बिहार, महाराष्ट्र में इन जमातियों को छिपाकर रखा गया था। तो जिस तरह से दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात को आयोजित किया गया था 13 से 15 मार्च तक ये चला था, जिसके बाद दिल्ली से लेकर यूपी तक सनसनी मची हुई है और उसी के चलते शासन से लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, और अब अलर्ट का नतीजा जो है वो सामने आने लगा है। तो मेरठ से ये पूरा मामला सामने आया जहां पर मौलाना के घर से 14 जमाती पाए गए हैं, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनव्वर चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनव्वर, हाई लेवल मीटिंग और जो सख्त निर्देश दिए गए थे कि तलाश जमातियों की जाए, उसके बाद एक के बाद एक इस तरह के खुलासे मेरठ से भी, मौलाना के घर से 14 जमाती पकड़े गए। बिल्कुल, मेरठ का थाना परतापुर क्षेत्र के काशी गांव का ये मामला है जहां से 14 लोग मिले हैं। ये पिछले 3 तारीख से मेरठ के काशी गांव में मौजूद थे। हालांकि जब एडमिनिस्ट्रेशन ने मस्जिदों में लोगों को रुकने के लिए मना किया, तब से ही एक अब्दुल्ला नाम के शख्स के मकान में रह रहे थे। अब यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन सभी लोगों को वहां से जो है उठा लिया है, और इनके मेडिकल परीक्षण की बात की जा रही है। हालांकि जो अब्दुल्ला है, जो मकान का ओनर है, तो खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। पुलिस ये भी बता रही है कि लगातार इस मामले में कई बार अनाउंसमेंट किया गया है कि कहीं कोई का बाहर का व्यक्ति है तो उसको बुलाया, इसका परीक्षण किया जाएगा, मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। बावजूद इसके लोगों ने इनको छुपा रखा था, और जो मस्जिद बताया जाता है कोई अब्दुल्ला है, मस्जिद से जब ये लोग निकले, जब ताला लगा, तो इन लोगों को बकायदा मकान दिया गया, उस मकान में रह रहे थे। हालांकि अब पुलिस ने इनको ढूंढ लिया है, और 14 लोगों की जो मेडिकल जांच है वो कराई जाएगी, इनकी रिपोर्ट भी देखी जाएगी क्या कुछ है। लेकिन बिल्कुल, जिस मौलाना के घर से 14 जमाती पकड़े गए, मनव्वर, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक, और आखिर ऐसा क्यों छुपाया गया ये जानकारी प्रशासन से? बिल्कुल, जाहिर तौर पर पुलिस ये कह रही है अब्दुल्ला नाम के शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरीके से लगातार पुलिस के आगाह करने के बावजूद भी इन लोगों को छुपाया गया, इनकी डिटेल छुपाई गई, इनको छुपा करके रखा गया। आपको ये भी बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है, मेरे इसके सरदना और मवाना में भी 19 लोग ऐसे ही विदेशी पकड़े गए हैं जो कि मस्जिदों में रह रहे थे। हालांकि उनके परीक्षण के बाद ये जाहिर हो गया है कि वो सभी नेगेटिव थे, लेकिन बाहर के जो लोग आ जाते हैं उनको इस तरीके से छुपाना कहीं ना कहीं कानून जरूर है। इस वक्त जो हालात हैं देश के, उसमें सभी को कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन इस तरह से बाहर के लोगों को छुपा करके रखना कहीं ना कहीं एक खतरे की धमकी है। ऐसे लोगों पर पुलिस अब नकेल कसने की बात कर रही है। बिल्कुल मनव्वर, अब ये 14 जमाती को यहाँ पर पकड़ा गया है, इनसे अभी तक कोई पूछताछ छुपाई है, पूछताछ में कोई खुलासा, क्योंकि और भी बड़ी संख्या में जो यूपी से लोग थे वो इस तबलीगी जमात में शामिल हुए थे, तो उन तक पहुँचना कितना आसान? देखिए, इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि पिछले 3 तारीख से लोग यहाँ पर हैं, इनको कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया था, जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है पूरी तरीके से पुलिस ने आना जाना आवागमन बंद कर दिया है, लोगों पे डर था कि सामने आएंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इस डर के चक्कर में ये लोग छुपे हुए थे। लेकिन जहाँ से इन तक छुपना मुश्किल था, क्योंकि इनको खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, लोग निकलते भी हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, ऐसे में अब इन लोगों की सूचना खुद ही उन लोगों ने दिए जो गाँव के लोग हैं, गाँव के लोगों को लगने लगा था अगर इसकी सूचना छुपाई गई तो कहीं ना कहीं जो गाँव के जिम्मेदार लोग हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। और ये भी माना जा रहा है कि इस तरह के लोग और भी हो सकते हैं, क्योंकि अब परतापुर और मवाना सरदना 3 जगह से 14 यहाँ से पकड़े गए हैं, 19 वहां से इस तरह से बरामद हुए हैं, यानी कि संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। और अब इस तरह का पुलिस ने मुहिम चला दी है कि जहाँ भी तरह के विदेशी या जमाती रुके हुए हैं उनकी सूचना स्वयं से दे दे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनका मेडिकल परीक्षण करा ले, क्योंकि जितने भी लोग महाराष्ट्र या अन्य जगहों से आ रहे हैं उनमें कोरोना वायरस की पुष्टि हो रही है। हालांकि जो लोग पकड़े गए हैं नेपाल, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार,
चार जगह के लोग हैं, और चूंकि महाराष्ट्र का नाम इस वक्त मेरे के अंदर काफी सेंसिटिव है, महाराष्ट्र से आए एक व्यक्ति ने 17 लोगों को कोरोना वायरस जो है संक्रमित रोग से उनसे बच्चे उनको छू लिया था, वो सभी लोग इस समय मेरे के मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे हैं। और मेरे में संख्या 19 पहुंच चुकी है, जो जो व्यक्ति महाराष्ट्र से आए व्यक्ति के संपर्क में आया उन सबको ये बीमारी हो गई है। ऐसे में काफी सेंसिटिव मामला माना जा रहा है, हालांकि पुलिस इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कार्रवाई करेगी ये बताती होगा। शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए मनव्वर।